नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुंदरम कुमार। कुडनी में उपचुनाव हो रहा है। अब से थोड़ी देर में चुनाव की जो मतदान हो रही है वो समाप्त हो जाएगी। उसके बाद जितने भी ईवीएम होंगे वो सभी मुजफ्फरपुर के आरडीएस कॉलेज यानी रामदयालु सिंह कॉलेज में लाया जाएगा। उसको लेकर के अभी से ही सुरक्षा बल की तैनाती कर दी गई है। पुलिस जो है यहाँ पे मौजूद है और हम आरडीएस कॉलेज के गेट पे हैं। धीरे धीरे अंदर की तरफ चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि जो भी चीज़ सुविधाएं है यहाँ पे लगातार अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है कि किसको कहाँ पे जाना है, किस प्रकार से सुरक्षा बल को किस जगह पर जाना है। और तैयारियां जो है वो पूरी हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ से अनाउंसमेंट किया जा रहा है लगातार। ये तो लगातार आपको बता रहा है कि अभी मौजूद है आरडीएस कॉलेज के कैंपस में और यहीं पे ईवीएम जो होगी कुडनी उपचुनाव 6 बजे समाप्त होगा और वहां से जब ईवीएम आएगी तो यहीं पे जमा किया जाएगा। देखिए पूरा तैनाती हो चुका है सुरक्षा बल पुलिसकर्मी का और जो सुरक्षा को लेकर के मुस्तैद है सुरक्षाकर्मी, ईवीएम आएगा जब उसको यहीं पे रखा जाएगा। चारों तरफ से गार्ड जो है बिहार पुलिस के जो लोग हैं वो खड़े हैं और जो उन्हें गाइडलाइन भी लगातार किया जा रहा है कि ईवीएम लेना है उसके साथ क्या क्या 16 मटेरियल जो है 16 पेपर है क्या क्या लेना है उन लोगों को बताया जा रहा है। समय हो गया है 5:30 बज रहा है। अभी थोड़ी देर के बाद आधा घंटा में चुनाव समाप्त हो जाएगा और उसके बाद फिर लोग वहां से ईवीएम लेकर के यहां चलेंगे। कुडनी चुनाव का जो माहौल है वो तो जनता आज वोटिंग कर दी, अब इसके बाद सभी का भविष्य ईवीएम के पिटारा में बंद हो गया है। 8 तारीख को यहीं से काउंटिंग होगी तब पता चलेगा कुडनी का विजय किसके हाथों लगेगा। हालांकि जो लड़ाई था वो लगातार बता रहे थे कि महागठबंधन और भाजपा के बीच में था। देखिए और उसके बाद थोड़ी ही देर में अब 1 घंटा मान सकते हैं अनुमानतः कि ईवीएम यहाँ पे आएगा। सुरक्षा कर्मी है मौजूद है और जो लोग पहले से जिनका ड्यूटी लगाया गया है वो यहाँ पे हैं। आप देख सकते हैं कि काफी सारे संख्या में लोग हैं। थोड़ी देर, ज्यादा समय नहीं लगेगा, 1 घंटा में जब ईवीएम आएगा तो उसको यहीं पे रखा जाएगा। कुडनी का चुनाव काफी दिलचस्प था। लगातार 18 दिनों से मैं वहीं पे था, आप लोगों को दिखाता रहा कि क्या माहौल था क्या नहीं था। थोड़ी देर के बाद चुनाव समाप्ति हो जाएगा और उसके बाद जो माहौल बनेगा धीरे धीरे लोग पहुंचेंगे, हर एक पार्टी के नेता लोग पहुंचेंगे, उनके कार्यकर्ता लोग पहुंचेंगे कि ताकि ईवीएम जो है सुरक्षित हो, इधर उधर कुछ ना हो वो देखने के लिए पहुंचेंगे। क्योंकि लगातार विपक्षी दल के द्वारा ईवीएम पे सवाल खड़ा किया जाता है कि ईवीएम को हैक कर लिया गया, ईवीएम को जो किया गया वोटिंग की जो हमारे अनुसार से वोटिंग हुई थी वो वोटिंग नहीं हो पाई, तो ये सभी सवाल होते हैं। लेकिन हालांकि सुरक्षा कर्मी मौजूद है तो नहीं लगता कि कहीं भी चूक होगी। थोड़ी देर के बाद अब ईवीएम आना शुरू हो जाएगा तो फिर आपको हम अपडेट करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव बिहार। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।